सबसे पहले तो आप पूरी लंबाई जैसे लिया है 40, उसके बाद तीरा 10 7, फिर उसके बाद आर्महोल के लिए 8 इंच, ठीक है, यहाँ से यहाँ 3 इंच बारहवा भाग, यहाँ से यहाँ बारहवा भाग 3 इंच, यहाँ से ये छठा भाग, ठीक है, 6 इंच, यहाँ से यहाँ बस्ट का चौथा भाग प्लस 1 तो 10 इंच, कमर का चौथा भाग प्लस 1 तो 9 इंच, हिप का चौथा भाग प्लस 1 तो 10 11 इंच, और नीचे दामन के लिए है सीने का चौथा ब्लॉक 2 इंच बराबर 11 इंच, ठीक है। चौक खोलने के लिए लेना है आपको बस्ट का सीने का चौथाई भाग प्लस 1 इंच, ठीक है, और ये शेप को मिला देना है। यहाँ से यहाँ लेना 36वां भाग 1 इंच, यहाँ से यहाँ लेना 36वां भाग 1 इंच, और इसको स्लोप करके मिला दिया, ठीक है। इसको मिलाने के बाद आपको आर्महोल लेना है। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है डॉट बताने का, यहाँ से यहाँ जो दिया है आधा करना है, 3.5 पे आएगा, ठीक है, 3.5 से हम 10 इंच ले लेंगे, 10 इंच ले लेंगे, और अगर चाहे तो आप यहाँ पे 1 इंच छोड़ सकते हैं, ठीक है, 1 इंच छोड़ने के बाद फिर हम डॉट डाल सकते हैं। तो 4 इंच ये छोड़ दिया, तो यहाँ बचा 3 इंच, 3 इंच की ये नीचे चली जाएगी, 4 7 इंच ले लीजिए। डॉट की लंबाई आप मेजर 7 इंच, नीचे 4 चली जाएगी, ऊपर 3 तो 7 इंच की हो गई, और ये आधा इंच इसके लिए ये ले लिया। अब इसमें कंटूरिंग के लिए मतलब बहुत ज्यादा फिटिंग के प्रदान करती है, तो यहाँ से यहाँ लेना है आपको 4.5, ठीक है, 8वां भाग, और यहाँ से इस पर डॉट डाल लिया। इसकी दूरी आप नॉर्मल लेंगे, यहाँ से यहाँ जाए तो जहाँ भी डॉट आ रही है आप डाल देंगे, उसके ऊपर आप 1 इंच ले लीजिए, 1 या 1.5, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, वैसे फिटिंग के लिए 2 इंच लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो स्वेच्छा से आप 1 इंच भी ले सकते हैं अपनी फिटिंग प्रदान करने के लिए। और इसको सबसे अच्छा है जब आप राउंड देखेंगे तो ये शेप इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये आपका फ्रंट है और ये बैक, क्लियर हो गया।